दोस्तों बात करेंगे सीबा इन्यू कॉइन की लिस्टिंग अपडेट को लेकर। देखो भैया, सीबा से निकल के काफ़ी सारी ऐसी अपडेट आई है जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब कहीं ना कहीं यहाँ से पंप देखने को मिलेगा। देखो अभी रिसेंट में सीबा इन्यू को लिस्ट कर दिया है पारक जैसे बड़े एक्सचेंज पे। देखो उतना बड़ा एक्सचेंज भी नहीं है, लेकिन आप कम्युनिटी देखो ट्वीट पे, पारक्स एक्सचेंज जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, आप देख पाओगे 36 के करीब यहाँ पे कम्युनिटी बनती है। आप प्ले स्टोर पे इसे इंस्टॉल करके यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हो। सीबा इस एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल हो चुका है। ऐसे में आप देख सकते हो अभी काफ़ी सारे ऐसे एक्सचेंज है जो कि सीबा इनो को एक्सेप्ट करता नज़र आ रहा है, और ग्लोबल में भी काफ़ी सारे एक्सचेंज सीबा इनो पे अभी जो बड़े बड़े एक्सचेंज है जो सीबा इनो को इन्वाइट करने वाला है। देखो मैं बात कर रहा हूँ कोई भी कॉइन के बारे में, तो लिस्टिंग की अभी अपडेट लगातार आ रही है, ऐसे में एक्सपेक्ट करेंगे और भी ज्यादा सीबा इनू बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट हो। अब देखो एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है, ऐसे में वेल्स तो भी है पीछे रहने वाली है नहीं। तो वेल्स की आप देखो यहाँ पे परचेस किया है 1.2 मिलियन, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। 1.2 मिलियन डॉलर सीबा इनू को परचेस किया। उसके बाद जो सेकंड वेल्स है वो देख लो ब्लू वेल्स के नाम से, जिसमें अभी देख पाओगे 4.8 मिलियन सीबा इनू को यहाँ पे परचेस किया है। लास्ट में लास्ट वीक की बता दूं गाइस आपको, 1.7 ट्रिलियन सीबा इनू कॉइन को परचेस किया है ऐसी वेल्स ने, बड़ी बड़ी वेल्स। अब देखो ये वेल्स है क्या, तो एक बड़ा वॉलेट होता है जिसमें भी काफ़ी सारी कॉइन को यहाँ पे परचेस करती, बड़ी वेल्स बड़ी कम्युनिटी कह सकते हो। तो यहाँ पे मार्केट इंपैक्ट नज़र आता है, क्योंकि हमने नाइट में देखा था INR में 0.0018 की सीरीज चल रही थी, और अभी आप देखोगे 0.0019 की सीरीज आ चुकी है। काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पे। उसके साथ में बर्निंग भी है काफ़ी बड़ी नंबर में हुई है। अभी आप देखोगे बर्निंग रेट यहाँ पे सब कुछ शो हो जाएगा, बर्न रेट आप देख लो, और बर्निंग भी है बड़े अमाउंट में हुई है, 164 मिलियन की बर्निंग हुई है। ऐसे में मार्केट पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो सर्कुलेटिंग सप्लाई वो कम हो रही है। बर्निंग का मतलब वही होता है गाइस, सर्कुलेटिंग सप्लाई से जो क्वाइन है उसे डेड वॉलेट में भेजा जा रहा है। अब जो सर्कुलेटिंग की जो सप्लाई है वो अगर कम होगी, क्वाइन कम होगी, तो डिमांड बढ़ेगी, फिर मार्केट में क्वाइन की प्राइस भी ऊपर देखने को मिलते जाती है। ऐसे में आपकी क्या ओपिनियन है भैया जो लिस्टिंग हो रही है बड़े एक्सचेंज पे? वैसे रॉबिनहुड की जो लिस्टिंग है उसका भी ये इंतज़ार सभी लोगों को है, लेकिन उसको आने में थोड़ा टाइम है, और काफ़ी बड़ा यहाँ पे मार्केट में उछाल देखने को मिलेगा। वैसे आप बताइए नीचे कमेंट में भैया कि आपने अभी तक सीबा इनू को होल्ड करके रखा है भी या नहीं रखा है। वैसे ऑल टाइम हाई से अभी भी 71% डाउन में, ऑल टाइम हाई वाले थोड़ा तो पैनिक फील कर रहे होंगे। तो अभी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत कॉइन को इससे रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट स्टेबल से थोड़ा पंप पर जाता है, फिर एक जोन में रुक रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत एंट्री लेके रख लो, शायद से अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलेगा। वैसे वीडियो में बस गाइस अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आता है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।